फोल्डर पे जाइए, प्रैक्टिस वाले पे, इसको कॉपी करने के लिए इसको एक बार क्लिक करिए, उस सेलेक्ट और इसको कॉपी करिए। कॉपी कैसे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। यहाँ आइए अपने फोल्डर में, अपने फोल्डर में आके इसको क्या करिए, कंट्रोल वी करिए, पेस्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस का फोल्डर मुझे कॉपी करना है, कैसे कॉपी करेंगे उसको? डी ड्राइव में जाना है, तो डी ड्राइव कहाँ है? अरे बताइए, आसिफ बताइए, क्या बताऊं मैं, तलत कहाँ है, तलत बताती है जो डेस्कटॉप पे मिलेगा, विंडो डी करके डेस्कटॉप पे जाइए, वहां पे देखिए जिस पीसी लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे आप लोग। इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिखेगा सी ड्राइव और डी ड्राइव डिस्क करके, दिखा कोई ऐसा जिसको ना दिखा हो। अब यहाँ पे हमने बहुत सिंपली बोला है डी ड्राइव ये है, डी ड्राइव पे क्लिक करिए, डबल क्लिक करके ओपन करिए, उसको कर लिए ओपन। बस मैंने बोला वहीं पे आपको दिखेगा प्रैक्टिस नाम का फोल्डर, उस पर एक बार क्लिक करिए, उसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, हुआ? बस सिंपली आप अपने वाले फोल्डर पे चले जाइए, अपने फोल्डर को ओपन करिए, वहां पे जाके कंट्रोल वी कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। अभी हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, माइग्रेशन समझ में आ गए, माइग्रेशन के मामले आप लोगों का, क्योंकि ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन में गए थे हम लोग, इसके माइग्रेशन मामले में। आप जो भी सपना हो एक्सेल का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? अभी इसको भूल जाइए, इसको समझ में नहीं आएगा। नीता मैडम आपको भी थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बहुत छुट्टी है आपका। इमरान खान आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए आपको भी समझने में दिक्कत हो सकता है। बच गए आसिफ जी, आसिफ जी का देखते हैं क्या है। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जी एच टी टू ए रिकंसिलिएशन, जी एच टी टू ए रिकंसिलिएशन क्या आप लोगों ने पहले कभी किया है? क्या है इमरान खान, आपने आपने किया है? नहीं किया? बोल दीजिए। टू ए होता क्या है पहले तो ये बताइए मुझे, जीएसटीआर टू ए होता क्या है, क्या होता है इसमें? परचेज का डिटेल रहता है कि हमने किसके परचेज किया है, कितने में परचेज किया है, कौन सी डेट में परचेज किया है, क्या इनवॉइस वैल्यू में परचेज किया है, ये सब डिटेल रहता है किसमें? जीएसटीआर टू ए में। टू ए में ये डिटेल्स रहता है परचेज का। अब हम लोगों को क्या करना है, रिकनसाइल करना है। किससे रिकनसाइल करना है? सही, क्या
इनवाइस वैल्यू होता है जितना टैक्स पर वैल्यू होता है प्लस उस पर टैक्स लगा देते हैं, लेकिन इनवाइस वैल्यू जितना इनवाइस का अमाउंट होता है टोटल, जितना अमाउंट का आपका इनवाइस बने उतने पेमेंट करना है दुकानदार को। आप कोई मॉल से कोई सामान खरीदने गए तो उसमें इनवाइस बना के देता है, वो बिल दिया है ना, बिल में जो अमाउंट रहता है जो आपसे डिमांड करते हैं जितना पेमेंट करिए उसी को इनवाइस वैल्यू कहते हैं। उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इनवाइस वैल्यू में दो कंपोनेंट रहते हैं, एक तो टैक्सुअल वैल्यू रहता है, टैक्सुअल वैल्यू रहता है, एक टैक्स रहता है। टैक्सुअल वैल्यू जो है दुकानदार आपसे कीमत वसूलता है अपने उसका गुड्स का, जो कि किसके पास जाता है पैसा, ऑनर के पास जो दुकानदार होता है। टैक्स जो जाता है ये गवर्नमेंट का पार्ट होता है, जितना भी आपसे टैक्स रिकवरी करता है वो गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है दुकानदार, समझे। जब भी आप अगली बार जाएंगे क्या कहते हैं किसी मॉल वगैरह में, तो जो आपको इनवॉइस मिलेगा उस पर देखिएगा टैक्स का अमाउंट अलग से लिखा रहेगा कि आपसे कितना रुपए वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और टैक्स वैल्यू जो रहेगा ऑनर का रहेगा, जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो गवर्नमेंट करेगा, दोनों को अगर आप प्लस कर दीजिएगा तो आपका इनवॉइस वैल्यू निकल के आ जाएगा, समझ में आया। टैक्स वैल्यू किसको कहते हैं, टैक्स लेने से पहले जो वैल्यू होता है उसको क्या कहते हैं, टैक्स वैल्यू। इसी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, मान लेते हैं 12 ये है हमारा 100 रुपए का और टैक्स रेट है 18% से हमारा टैक्स रेट लगेगा और ये कितना हो जाएगा 118 रुपए हो जाएगा, मतलब 100 रुपए का ये रहेगा 18 रुपए ये लगेगा तो 118 रुपए लगेगा। इसी वैल्यू पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते कि इनवॉइस वैल्यू 118 रुपए का है तो इस पे 18% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, समझे। अगर मान लेते हैं ये 100 रुपए का है हमारा पास, ये 100 रुपए का है तो टैक्स कितना आएगा निकल के, टैक्स कैसे आएगा, कितना रुपया आएगा टैक्स, टैक्स के इस पे कैलकुलेट कर दो 18% सीधा 82 रुपया, कितना 82 रुपया। तो टैक्स पहले हम लोग क्या करेंगे, टैक्स पे वैल्यू निकालेंगे उस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, सीधा आप जो बोल रहे हैं 18 रुपया वो गलत बोल रहे हैं। इनवॉइस वैल्यू पे हमारे टैक्स नहीं लगता है, टैक्स लगेगा किस वैल्यू पे, पहले आपको ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा फिर जाके ये करना पड़ेगा, समझे। रिवर्स कैलकुलेट आप लोगों को बार बताए हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो ऐसे भूल जाइएगा, उसका कोई अब दूसरा तरीका नहीं है याद रखने का। मान लेते हैं हमारा ये टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है जिस पे लगा हमारा टैक्स प्लस हो गया टोटल निकल के आएगा इनवॉइस वैल्यू। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ये 100 रुपया है, ये 18 रुपया हो जाएगा 18% अगर टैक्स है, ये कितना आ जाएगा 118 रुपये। अगर मान लेते हैं अब यही वाला चीज मेरा 100 रुपये है, यही चीज दे दिया, ये 18% टैक्स है तो कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा 100 का 18% कितना हो गया, ये 18 रुपये हो जाएगा। अब इसमें आप माइनस कर दीजिएगा इसको, ये आ जाएगा 82 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये है बिल्कुल रॉन्ग, 101% रॉन्ग, क्यों, मैंने क्या बोला टैक्सेबल वैल्यू पे टैक्स लगेगा, इस पे आपको 18% कैलकुलेट करना है तो ये चीज आना चाहिए। 82 पे अगर 18% कैलकुलेट करके देखिए कितना रुपया आता है, टैली में कैलकुलेटर यूज करने बताया, चलिए कैलकुलेटर यूज करके देखिए 82 पे 18% कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है, या एक्सेल में भी बताया कैलकुलेटर यूज करने, एक्सेल में भी चाहिए कर सकते हैं लोग, आप भी कर सकते हैं मैडम, टैली आपका भी होता है, एक मिनट की चलिए कैलकुलेट करिए अभी से 85 का क्यों कर रहे हैं, 82 का तो है ना, मैंने 18% कैलकुलेट कर रहे हैं, रुपए का 18% कैलकुलेट करिए। 14.76 होना चाहिए,
82 और 14.76 टोटल कितना होना चाहिए नॉइस वैल्यू? 82 में 14 जोड़ ऐड कर दिए कितना आएगा? 76 कितना आएगा? 96.76। अगर ये इनवॉइस वैल्यू रहेगा तो ये टैक्स वैल्यू रहेगा तो ये कितना टैक्स रहेगा, समझे? हम अगर हमारा 100 रुपए ये रहेगा तो उसके लिए क्या आएगा? अगर मान लेते हैं हमारा इनवॉइस 100 का बनेगा तो उस समय टैक्स वैल्यू कितना रहेगा, टैक्स कितना रहेगा, तो इसका कैसे बताते हैं हम लोग? कैसे बताया था हम? रिवर्स कैलकुलेट करने बताया था। क्या बोला था? रिवर्स कैलकुलेट करने बताया था। तो 100 रुपए को मानिए कि ये कितना है, खुद ही 118 रुपए है, खुद ही कितना है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसको 100 को 1000 रुपए कर देते हैं। 1000 रुपए का मेरा इनवॉइस वैल्यू है, दुकानदार को मैंने 1000 रुपए दिया, उस पर 18% वाला आइटम था, तो उस पर हमें कितना टैक्स दिया है और कितना दुकानदार का पैसा है, कितना टैक्स वैल्यू है, तो वो कैसे पता करेंगे हम लोग? उसको कैसे पता करेंगे? मान लेंगे कि ये खुद ही 118 है। क्या करेंगे? मान लेंगे कि ये 118 है, मुझे निकालना कितना है? 100 निकालना है। तो क्या मान लेते हैं हम, जब भी किसी का रिवर्स कैलकुलेट करेंगे तो उसको मान लेंगे, ये वाला चीज याद रखिएगा, इसको भूल जाइए, ये वाला चीज याद रखिएगा कि ये कितना रहेगा हमारा वैल्यू, 100 रहेगा हमेशा ऑलवेज, और ये जितना भी टैक्स रेट रहेगा वो रहेगा, टोटल करेंगे तो ये वाला चीज है, समझे? 100 रुपए पे ही हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे ना, किसी का वैल्यू 100 रुपया है तो उसी पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। 100 रुपए पे चीज पे 18% टैक्स लगता है तो 118 आ जाता है, तो उसी तरह एक अगर ये 101,000 रुपए है तो उसको डिवाइड कर दीजिए 118 से, 118 से डिवाइड कर दीजिए 118% से, तो ये आ जाएगा आपका टैक्स वैल्यू। आया समझ में? अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा 118% से तो आपका ये टैक्स आ जाएगा। कितना होगा जोड़ के देखिए ना, वही तो बोल रहे हैं, जोड़ के देखिए कितना होगा। अरे आप भी कैलकुलेट करिए, 1000 को 118 से डिवाइड करिए, 1000 को डिवाइड करना है 118% से, कहा क्या आपने? 1000 डिवाइडेड बाय 118% का परसेंट क्वेश्चन एंटर कर दीजिए। ये उसके एक्सेल वगैरह में कैलकुलेट कर लीजिए, जहाँ पे बता रहा हूँ इतना वैल्यू आएगा आपका 847.46। इस पे टैक्स कैलकुलेट करिए, इस पे 18% कैलकुलेट करके बताइए कितना है। 847.46 पे कैलकुलेट करके बताइए, 847.46 इनटू 18% 152.54 अब इसको ऐड करके देखिए दोनों को यही आ जाएगा, देखिए 100 में है, 1000 रुपये आ गए, 1000 रुपये समझ में आया। ये क्या है, कैसे निकालते हैं टैक्स का वैल्यू? चलिए हम लोग आते हैं अपने आप, उस पर हम लोग बड़ा भी जाते हैं।
परचेज का डिटेल मैच करना है हमें, 2A को मैच करना है, मतलब 2A को मैच करना है, 2A को मैच करना है मतलब परचेज का डिटेल मैच करना है हम लोगों को, समझे? 2A, 2A का मतलब क्या है? आसिफ, नीता और इमरान तीनों देखे आपके कहते हो मतलब अपना एक्सेल पे प्रैक्टिस करो। अच्छा देख लीजिए इसको समझिए, अगर सर को आ जाएगा आपके, 2A होता क्या है? परचेज का डिटेल होता है कि हमने किससे किससे परचेज किया है, लेकिन वो आता कहाँ से 2A का डिटेल? कहाँ से आ गया? GST साइड से आते हैं, GST डिपार्टमेंट से आते हैं परचेज का डिटेल, उसको कहते हैं 2A, ठीक है? ये कहाँ से मिलता है हमें डेटा? GST डिपार्टमेंट से मिलता है कि इस पार्टी से आपने परचेज किया, GST डिपार्टमेंट बता रहा है आपको इस पार्टी से आपने इस डेट में इतना इतना परचेज किया है। कौन बता रहा है? GST डिपार्टमेंट बता रहा है। एक हमारा परचेज होता है जो कि हम लोग टैली में मेंटेन खुद करते हैं, टैली में हम लोग परचेज मेंटेन करते हैं, परचेज को जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाके प्रेस करके चेक करते हैं, समझ गए? ये दो तरह का परचेज, ये दोनों को रिकंसाइल करना, दोनों को मैच करना, दोनों को जो मैच करना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिकंसिलिएशन करना है। क्या कहते हैं? दोनों को जो मैच करेंगे उसको हम लोग रिकंसिलिएशन कहेंगे। कि दोनों में कहां कहां डिफरेंस है, क्या आप लोगों ने ऐसा किया है? हाँ एक्सेल में किया हुआ है ना, वही तो है रिकंसिलिएशन, वही तो हम लोग बनाते हैं रिकंसिलिएशन। आपने नहीं किया? हम लोग देखते हैं टैली पे कौन कौन सा हमारा बिल अवेलेबल है, हमारे बुक्स में क्या क्या अवेलेबल है, और इसका हम लोग एक्सेल से मैच करते थे। एक दूसरा एक्सेल था, एक्सेल हमने किस तरह से डाउनलोड किया? 2A को डाउनलोड कर लिया था, वही वाला एक्सेल था आपका। एक 2A जो है हम लोग GST साइट से डाउनलोड कर लिया, एक्सेल फाइल में अवेलेबल है, ठीक है? एक्सेल में भी अवेलेबल है, एक जेएसएन फाइल होता है, क्या होता है? जेएसएन फाइल, दोनों में अवेलेबल है। तो एक्सेल फाइल हमने यहाँ डाउनलोड किया, एक्सेल फाइल से हमने मैनुअल रिकंसिलिएशन किया था। क्या किया था? मैनुअल रिकंसिलिएशन किया था। अब क्या करेंगे हम लोग? मैनुअल रिकंसिलिएशन तो हमने कर लिया, उसमें कितना बहुत टाइम लगा, क्या बहुत टाइम लगा? अब हम लोग क्या करेंगे? टैली में डायरेक्ट रिकंसाइल कर लेंगे, जो आप लोगों टैली ओपन किए हैं उस पर डायरेक्ट रिकंसाइल करेंगे। किसको रिकंसाइल करेंगे? 2A को। किसको करेंगे? 2A को। उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा आपको? अगर मैनुअल रिकंसाइल करते हैं उसमें दो चीज चाहिए होगी, एक तो ये चाहिए होगा टैली में आपको डेटा चाहिए होगा, टैली में सारा एंट्री किया होना चाहिए, दूसरा चीज होता है एक्सेल की, दूसरा चीज ये है, ये इसी दोनों को रिकंसाइल करते हैं मैनुअली, मैनुअली इसको रिकंसाइल करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को टैली में रिकंसाइल करना हो, टैली में कैसे रिकंसाइल करेंगे? डायरेक्ट में टैली में तो आपको चाहिए ही चाहिए, टैली में तो एंट्री किया ही होना चाहिए सारा। और दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल की जगह ना हम लोग ये जो दूसरा फाइल हमारे जेएसएन फाइल, तो जेएसएन फाइल हम लोग डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे? जेएसएन फाइल डाउनलोड कर लेंगे। कहाँ से? जेएसटी पोर्टल से। कैसे डाउनलोड करते हैं वो बताएंगे, ठीक है? तो जेएसएन फाइल हम लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे और जेएसटी पोर्टल से हमारे पास डेटा आ जाएगा, ठीक? लेकिन इसको आप ओपन करके देख नहीं सकते डायरेक्ट क्या है, वो टैली वाला सॉफ्टवेयर, टैली में हम लोग इम्पोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इम्पोर्ट करेंगे। इस फाइल को हम लोग टैली में इम्पोर्ट करेंगे, टैली अपने आप रिकंसाइल कर लेगा कि कहाँ पे आपका मिसमैच आ रहा है, वो आपको बता देगा। लेकिन ये वाला जो हमारा है 4.0 में इससे आगे वाले वर्जन में अवेलेबल है, तो पुराने वाले वर्जन में अवेलेबल नहीं है। इसे 2.0 में जब 2.0 में हम लोग काम करते हैं, 2.1 में उसमें ये चीज़ अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे हमने बोला कि आपको 4.0 में ओपन करें, डेटा वहाँ माइग्रेट करें। आए समझ में? तो अब हम लोग रिकंसाइल कैसे करेंगे? सब लोग टैली में आएंगे, सबसे पहले टैली ओपन करेंगे, डेटा जो हमने ओपन किया है आरओबी का ओपन करेंगे। मैंने अभी एक फोल्डर आप लोगों को बोला है कॉपी करके अपने फोल्डर में रखने, तो उसमें फोल्डर में क्या है पता है? ओपन करके देखिए क्या है, ओपन होता है आपसे, तो जो मैंने कॉपी करके रखवाया है ओपन करके देखिए ओपन होता है क्या? हाँ
जेएसएन फाइल है आपको आया इसमें, क्या नाम रखा ज्योतिष, आपको समझ में आया ज्योतिष? अब टैली में हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे इस जेएसएन फाइल को, और टैली क्या करेगा हमारा ऑटोमेटिक रिकंसाइल कर देगा। 2A समझ में आया ज्योतिष आपको? 2A क्या है? क्या होता है? किस चीज का डेटा है 2A में कौन? और जीएसटी डिपार्टमेंट का डेटा कहाँ से आता है? जीएसटी डिपार्टमेंट का क्या, कौन सी कंपनी? जीएसटी डिपार्टमेंट के पास डेटा कहाँ से आता है ये सोचिएगा, मैंने बताया था पहले। अब देखिए टैली में हम क्या करेंगे, डेटा को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सब लोग टैली ओपन कर लिया है, टैली में आइए ना, तो टैली बताते हैं आप, इंपोर्ट करना है हम लोगों को जीएसटी रिटर्न 2A इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे जी प्रेस करिए, प्रेस करिए। अब यहाँ पे देखिए तीन कितना तरह का रिपोर्ट बोल रहे हैं आप लोग, इंपोर्ट करने दे रहे हैं, क्या क्या रिपोर्ट इंपोर्ट करने दे रहे हैं? GST R1 2A 2B ये दे रहे हैं इंपोर्ट करने। आप लोग 2A हम लोग रिकंसाइल कर रहे हैं, 2A पे क्लिक करिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पाथ कहाँ से आप लोगों को इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे पाथ सेलेक्ट करें, ये हो गया इंपोर्ट का प्रोसेस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकंसिलेशन का प्रोसेस, रिकंसिलेशन में क्या करेंगे हम लोग, डी ओ जी उसके बाद हम लोग क्या प्रेस करेंगे, 2, तो 2 में क्या आ गए सब लोग, ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है, वेरी गुड। पीरियड सेलेक्ट करिए, पीरियड सेलेक्ट करिए, कैसे पीरियड सेलेक्ट करते हैं, F2 से, हाँ अप्रैल मंथ का सिलेक्ट करिए, डायरेक्ट करिए ना हो जाएगा, अप्रैल का सिलेक्ट करें, कैसे करें सिलेक्ट करते हैं अप्रैल मंथ का ओपन करने दो, सबका ओपन हो गया। अब ऊपर से स्टार्ट करिए, ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये जो चीज हम लोग सीख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों के लिए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 90% अकाउंटेंट को ये आता ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, इसमें सबसे पहला चीज क्या आ रहा है रिकंसिलेशन के लिए बता रहा हूँ, 2A रिकंसिलेशन सबसे पहला चीज क्या आ रहा है, रिकंसाइल लिखा हुआ है, दूसरा क्या बोल रहे हैं, अनरिकंसाइल, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मिसमैच, और ओनली इन 2A और अवेलेबल ओनली इन अवेलेबल, क्या बोलूंगा, अवेलेबल ओनली इन बुक्स है ना ऊपर वाला, ओनली ऑन पोर्टल और अनसर्टेन ट्रांजेक्शन सेकंड अंडर करेक्शन नीडेड, ठीक
ठीक है। तो टोटल कितनी चीज आ रही है आप लोगों के सामने? छह। लेकिन वो है मेनली तीन चीजें। दूसरा वाला जो है आपका अनरिकंसाइल, उसी के अंडर देके आ रहा है, मिसमैच, अवेलेबल ओनली इन बुक्स, अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल, ठीक है, अनरिकंसाइल के अंदर ही आ रहे हो, ठीक है। ध्यान से देखिए थोड़ा, अनरिकंसाइल के अंदर ही तीन ऑप्शन है, अनरिकंसाइल के अंदर ही ना तीनों, ठीक है। देखिए यहाँ पे वैसे भी देखिए आप लोग रिकंसाइल के कर रहे थे एक्सेल से और टैली से, आपने और इमरान आपने मैच किया हुआ है, वहां पे आ रहा था। हम लोग क्या कर रहे थे, दो तरह का चीजें था, एक टैली में हम लोग हाइड करते करते लास्ट में कुछ बच जाता था, मतलब टैली में था, एक्सेल पे नहीं मिल रहा था आप लोगों को, एक्सेल मतलब जीएसटी पोर्टल पे इस पे नहीं मिल रहा था, जीएसटी पोर्टल का जो डेटा हम लोगों ने एक्सेल में डाउनलोड किया था यहाँ पे नहीं मिल रहा था, जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था 2A में हम लोगों को डेटा नहीं मिल रहा था जो टैली में रह जाता था, और कुछ चीजें जो एक्सेल में था टैली में नहीं मिल रहा था, उसको हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया था येलो कलर से, ठीक है। तो वो क्या था कि अवेलेबल ओनली इन बुक्स है, यानी टैली पे तो है लेकिन वहाँ हमारा नहीं है, वो कौन सा जो हमने टैली में जो रह जाता था, और जो पोर्टल पे हमारा था ये वाला था, जो एक्सेल में हम लोगों का हाईलाइटेड था कौन सा, येलो कलर का, अप्रैल मंथ का आपने मैच किया हुआ है, नहीं शायद अप्रैल का नहीं किया, फरवरी मार्च में क्यों होता, फरवरी मार्च में कहने का पता चलेगा। तो हम लोगों का क्या है, ये एक तो ये देगा रिकंसाइल, रिकंसाइल के सामने टोटल नंबर्स कितना लिखा हुआ है बताइए, कितना रिकंसाइल, 51 44 रिकंसाइल में कितना लिखा हुआ, 44 अनरिकंसाइल में कितना लिखा, कितना 50 मैच मिसमैच में कितना लिखा है, 13 इसमें अवेलेबल ओनली इन बुक्स कितना, 15 इसमें कितना लिखा है, 22 कितना, 22 ठीक है, और अनसर्टेन ट्रांजैक्शन कितना है। अब इसका मतलब क्या बताएं, ये तो एकदम ओके है, परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये आपके टैली में भी है और टैली को जीएसटी पोर्टल में मिल गया कि ये डेटा आपका वहां पे भी अवेलेबल है डिपार्टमेंट के पास, तो इसमें भी दिक्कत है क्या, हम भी बोल रहे हैं कि हमने ये परचेज किया है, डिपार्टमेंट वाला भी बोल रहे हैं आपने परचेज किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे, अनरिकंसाइल है, रिकंसाइल नहीं कर पाए, दिक्कत कहाँ है, इसके अनसर्टेन ट्रांजेक्शन पे, आप इन दोनों तीनों का टोटल करिएगा तो वैसे ये आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये तीनों इसी का पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में मिसमैच, अवेलेबल ओनली इन बुक्स, अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल, समझ गए, और यहाँ अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले स्टार्ट हम लोग कहाँ से करना चाहिए, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन से, देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन पे जाके एंटर करिए। अब देखिए इसमें जो आपने गलती कर रहे हैं, जिसने भी आपने क्यों ओपन किया, कहाँ पे लिखा अनसर्टेन डायरेक्शन, क्यों बोर्ड माउस यूज कर रहे हैं आप, कीबोर्ड यूज करिए,
अब इस तरह की क्या क्या गलती दे रहा है जिसकी आपका ये जो टैली है, टैली बता रहे हैं ये गलती है आपके टैली के एंट्री में। पहला क्या बोल रहे हैं, इनवैलिड और मिसमैच इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ही गलत डाला हुआ है इसमें। अभी टोटल नंबर कितना है, 7 का है। अब देखिए इसमें एक एक करके सही करके मैं कोशिश करते हूँ। सबसे पहला जो आपका ऑप्शन आ रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द पार्टी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। इसमें जीएसटी नंबर ही पार्टी के गलत डला हुआ है, जिंदर का जीएसटी नंबर ही नहीं डला है इसने, ये गलत बता रहा है, समझे। दूसरे में आइए, इसमें क्या बोल रहे हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का डिटेल है, दिक्कत है, ठीक है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाला छोड़ दिया अभी बताया मैंने आपको। एक तीसरा क्या है, मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेड टैक्स रेट मॉडिफाइड क्या गया है, ये वाला ओपन करिए। अच्छा ये इसी का है ना, डेबिट नोट क्रेडिट नोट इसी का डिटेल है, दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं। इसमें बोल रहे डेबिट क्रेडिट नोट नंबर नहीं डाला हुआ, इसमें बोल रहे डेट नहीं डाला हुआ, इसको सही करिए। मैंने वैसे डेबिट क्रेडिट नोट का, डेबिट क्रेडिट नोट का ये सब लोग, ठीक है, डेबिट क्रेडिट नोट वाले पे एंटर करिएगा सब लोग, ठीक है। उस पर एक खुलेगा लाइट सेंटर लिखा आएगा, द्वारा एंटर करिएगा उसको, ठीक है। रीजन पूछेगा, रीजन क्यों बना रहे हैं आप लोग, डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्यों बनाते हैं, रीजन पूछता है। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता क्या पहले समझिए, सब लोग इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता क्या है, क्या होता है, कई बार हम लोग सामान खरीदते हैं तो उसमें कुछ डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट का वापिस करते हैं, ठीक है, आप लोग भी करते हैं, तो वापिस करते हैं उस केस में क्या करेगा वो, हो सकता है 10 सामान खरीदा उसमें 2 सामान वापस कर दिया हो सकता है, 10 में से 8 सामान वापस कर दिया हो सकता है, 10 में से 10 वापस कर दिया हो, ठीक है, उस केस में क्या करेगा वो, कुछ इनवॉइस को एक बार जनरेट हो गया दोबारा कैंसिल नहीं किया जाता, करता है लेकिन छोटे लेवल पे होता है लेकिन बड़े लेवल पे नहीं होता, क्या करेगा वो, डेबिट नोट बना देगा आपका या क्रेडिट नोट बना देगा। प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा, हो सकता है कि आपने जो सामान खरीदा उसमें उसका प्राइस कितना चार्ज किया गया आपसे, 500 रुपये चार्ज किया गया, हो सकता है आप आपको बाद में पता चला हो ये तो मुझे ठग लिया इसने, प्राइस इसका 450 ही था, 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया, आप दुकानदार को जाके बोले हो, मान गया, एग्री कर गया हो, फिर बोला हो कि ठीक है 450 का ही करते हैं, तो वहाँ पे क्या करेगा, जहाँ पे फ्लैक्चुएट होगा अमाउंट में डिफरेंस होगा वहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाएगा। इनवॉइस तो एक बार बन गया, वो बन गया, उसको चेंजेज नहीं करते, तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाते हैं, ठीक है। अब बताइए हम लोग डेबिट नोट कब बनाते हैं, क्रेडिट नोट कब बनाते हैं, दोनों एक ही चीज का है, समझिए। अगर मान लेते हैं किसी पार्टी को सेल किया है राम को 1 लाख का या 10,000, 10,000 रुपये का सामान सेल किया, तो राम से हमें पैसे लेने हैं कि देने हैं, क्या हमने सेल किया तो राम को पैसे देने हैं कि लेना है, क्या सेल किया तो लेना है बताइए आप लोग, बोल क्यों नहीं रहे, इससे पैसे लेने हैं हमें, लेना है तो मतलब क्या हमारे लिए असेट्स है, इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट में होगा, ठीक है, बैलेंस डेबिट में होगा। अगर किसने अकाउंट्स पढ़ा होगा तो अकाउंट्स में क्या होता है कि हम लोग सेल जब करते हैं सेल का एंट्री कैसे पास करते हैं, सेल का एंट्री पास करते हैं पार्टी को डेबिट करते हैं, जैसे राम को सेल किया है तो राम को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करेंगे, ट्रू करेंगे किसको, सेल्स अकाउंट, ट्रू करेंगे सीजीएसटी अकाउंट, ट्रू करेंगे एसजीएसटी अकाउंट, ट्रू करेंगे आईजीएसटी अगर होगा तो, ऐसे करते हैं। अकाउंट्स किसने इसमें पढ़ा है, बस आपने पढ़ा है आपने, हाँ ऐसे करते हैं, मतलब डेबिट करते हैं जिस पार्टी को हम लोग सेल करते हैं उसको डेबिट करते हैं, जिसे खरीदते हैं उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अब हम लोग मान लेते हैं राम को हमने सेल किया है 10,000 रुपये का, इसको हमने अपने बुक्स में क्या कर दिया, वो डेबिट कर दिया। अब हम पैसे मांगने जाते हैं इससे तो क्या बोलते हैं, भाई आपका सामान तो पड़ा हुआ है मेरे किसी काम का तो है नहीं, आप उसमें से 2 सामान वापस ले लीजिए, बाकी 10 सामान यूज कर लेंगे, 2 सामान आपके ऐसा है जो यूज करनी है
इसमें से 500 रुपए का आप वापस ले लीजिए, सेल्स रिटर्न ले लीजिए, क्या बोलेंगे लोग, सेल्स रिटर्न ले लीजिए, वापस ले लीजिए आप अपना जो सेल किया था उसको वापस ले लीजिए। तो इस केस में ये क्या बोले, 10,000 का इनवॉइस बना दिया है, अब क्या बोले, 10,000 से हमने क्या किया, इसको डेबिट कर दिया है, अब 500 रुपए से क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब उल्टा करना पड़ेगा, एक डेबिट होता है क्रेडिट होता है, हमने पहले डेबिट कर दिया, अब क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, क्रेडिट नोट बनाएंगे, क्रेडिट करने के लिए क्या बनाएंगे, क्रेडिट नोट बनाएंगे। क्रेडिट नोट कैसे बनेगा, जैसे हमारा इनवॉइस बनता है वैसे बनेगा, बस इनवॉइस के ऊपर यहाँ टैक्स इनवॉइस लिखा रहता है, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, क्रेडिट नोट लिखा रहेगा, और डिटेल सारा रहेगा, क्या सामान वापस हुआ है, कितने रेट पे वापस हुआ है, क्या उसका क्वांटिटी कितना है, उस पर टैक्स कितना लगा है, सब चीज उस पर रहेगा, क्रेडिट नोट पे सेम जैसे कि आपका इनवॉइस पे रहता है। तो हम लोग क्या इशू कर रहे हैं, क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, क्या मिलेगा, क्यों लेगा, 500 रुपए वापस कर रहा हूँ मैं, किसी का सामान वापस ले रहा हूँ, 500 रुपए नहीं आ रहा, तो उस पर जीएसटी तो नहीं दूंगा ना सरकार को, जो मैंने सेल किया उसमें तो जीएसटी दूंगा, वापस तो आ गया मेरे पास सामान, उस पर जीएसटी तो दूंगा। तो इसलिए हम लोग क्रेडिट नोट डेबिट नोट बनाते हैं, आया समझ में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट नोट बनाएंगे, लेकिन मैं क्रेडिट नोट बना के दूंगा अगले को, यानी राम को क्रेडिट नोट बना के दूंगा, राम के लिए मैं क्या रहूंगा, उसके बुक्स में मुझे क्या क्या होगा, उसमें पर्चे यार, मतलब मुझे पार्टी ट्रीट क्या हुआ, तो उसने मुझे डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, क्या डेबिट का मतलब क्या होता है, जिससे पैसे लेने हैं, क्रेडिट का मतलब किसी को पैसे देने हैं, उसके बुक्स में क्या आ रहा हूँ मैं, डेबिट में क्रेडिट में, क्रेडिट में आ रहा हूँ, मतलब उनको वो लग रहा है हम पैसे दे रहे हैं, तो अब वो 500 रुपए नहीं देने हैं, तो 500 रुपए कम कर देगा, तो 500 रुपए से वो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको क्रेडिट कर रहा हूँ, वो मुझे क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है, समझ गए। तो मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिट नोट बनाऊंगा, उसके लिए क्या होगा, डेबिट नोट होगा, समझे। अब इसका एंट्री कैसे करते हैं मैं वो बताऊंगा छोटा सा, जैसे हम लोग इनवॉइस एंटर करते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा आता है इस पे, देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि डेबिट नोट आप बना क्यों रहे हैं, ये रीजन हो सकता है डेबिट नोट बनाने का, डेबिट क्रेडिट नोट बनाने का ये सारे रीजन हो सकते हैं, देखिए आपके उस पर क्या क्या आया है रीजन,